Hellfest। तो मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक हॉरर थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क है जहां तीन दोस्त एक हॉन्टेड हाउस में थे। उनकी एक फ्रेंड ब्रिटनी दोस्तों से बिछड़ जाती है और उसे खौफनाक सा मास्क पहने एक आदमी मिलता है जो कि एक बड़ी ही अजीब ट्यून में गुनगुना रहा था। वो ब्रिटनी को मार देता है और उसे वही हॉन्टेड हाउस में लटका देता है। बहुत दिनों तक किसी को ब्रिटनी की लाश नहीं मिली क्योंकि हॉन्टेड हाउस में आने वाले सभी लोग उसे एक नकली भूत समझ रहे थे। इस वाक्य को 3 साल गुजर चुके, नतालिया अपनी बेस्ट फ्रेंड ब्रूक के घर आती है। वो टेलर को वहाँ मौजूद देखकर खुश नहीं थी। वो सब हैलोवीन का प्लान करने लगते हैं। ब्रूक नतालिया को बताती है कि वो लड़का जिसे वो पसंद करती है गेविन, वो भी वही होगा। हैलोवीन सीजन को मनाने के लिए वो सब हेलफेस्ट जाने वाले हैं। लड़कियों को ज्वाइन करते हैं गेविन, ब्रूक का बॉयफ्रेंड कोइन और टेलर का बेस्ट फ्रेंड एशर। वो सब हेलफेस्ट जाते हैं। हेलफेस्ट एक नया हॉरर थीम्ड पार्क है। इसमें बहुत सारे झूले, लैबिरिंथ्स, गेम्स वगैरह होती हैं। हर साल हजारों लोग एक खौफनाक कार्निवल को एंजॉय करने आते हैं। दोस्तों का ये ग्रुप पार्क में मुख्तलिफ चीजों को एंजॉय करने लगता है, जबकि 3 साल पहले वाले वाक्य का किलर आज भी वही मौजूद था एक नए मास्क में। मगर इंटरेस्टिंगली पार्क वर्कर्स ने भी मास्क पहने हुए थे और मुख्तलिफ हथियार उठा रखे थे। इवन क्लाउन्स और खौफनाक मॉन्स्टर्स आते जाते लोगों को डरा रहे थे। आखिर हेलफेस्ट इसी सब का नाम था। फिर लड़कियां एक हॉन्टेड हाउस में जाती हैं। वहां एक लड़की दौड़ती और चिल्लाती हुई आती है, कोई इसका पीछा कर रहा था। किलर वहां आता है तो गर्ल्स समझती है कि वो एक वर्कर ही है। नतालिया किलर को बताती है कि वो लड़की कहाँ छुपी है। किलर अपना चाकू उठाता है। लड़की उसकी मिन्नतें करती है। नतालिया किलर को कहती है कि वो उसे मार दे क्योंकि उसके नजदीक वो एक खेल ही था। किलर लड़की को मार डालता है। नतालिया थोड़ा परेशान होती है। फिर वो बाहर ब्रूक और टेलर के पास आ जाती है। वहाँ पार्क के एक्टर्स वाकई लोगों को मजाक में कत्ल कर रहे थे। नतालिया समझती है कि हॉन्टेड स्कूल के अंदर भी ऐसा ही कुछ ड्रामा हुआ होगा। क्विन ब्रूक के लिए सरप्राइज विन करता है, मगर गेविन नतालिया के लिए कुछ नहीं जीत पाता। वो दोनों फोटो बूथ में जाकर पिक्चर क्लिक करने का सोचते हैं। किलर उनका पीछा कर रहा था, वो उनकी पिक्चर्स चुरा लेता है। ब्रूक उसको देख लेती है और उसे पहचान जाती है। अचानक क्विन पीछे से आकर ब्रूक को डरा देती है। फिर वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं। अब वो डेड लेंस जाने का फैसला करते हैं, मगर गेविन कहता है कि उसे नतालिया के लिए कोई टॉय विन करना है। गेविन जीत नहीं पाता तो वो गेम स्टैंड पर पैसे देकर टॉय लेना चाहता है, मगर वहाँ मौजूद शख्स उसे मना कर देता है। गेविन ये देख लेता है कि टॉयज का स्टोर रूम कहाँ है। वो वहाँ जाता है और एक लॉकर से एक डॉल चुरा लेता है। एकदम किलर उसके सामने आ जाता है। उसके पास वेल्डिंग मैलेट था जिससे वो गेविन के सर को हिट करके उसे मार डालता है। किलर देखता है कि गेविन के फोन पर मैसेजेस आ रहे थे। वो गेविन की फिंगर से फोन को अनलॉक करता है और उसी तरफ से रिप्लाई करता है। बाकी फ्रेंड्स एक राइड पर बैठ रहे थे। टेलर और एशर एक साथ बैठते हैं और ब्रूक और क्विन एक कार्ट में। नतालिया को अकेले बैठना पड़ता है। राइड के दौरान अचानक किलर नतालिया के करीब बढ़ता है और वो चिल्लाती है, मगर जब झूला रुकता है तो वो देखती है कि वैसे ही बहुत से किलर्स वहाँ मौजूद थे। वो डर के मजीद चिल्लाती है। वो घबराकर उठ जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि ये सारे तो पार्क के वर्कर्स थे जो उन्हें डरा रहे थे। सारे फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें गेविन की कोई खबर नहीं थी। फिर गर्ल्स एक खौफनाक लेबोरेटरी में जाती हैं जहां क्रेजी डॉक्टर्स उनका पीछा करते हैं, जबकि लड़के ड्रग एडिक्ट्स के हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। किलर भी वहीं था और वो उस लेबोरेटरी से एक सिरिंज उठा लेता है। गर्ल्स को अब एक हॉलवे से गुजरना था जिसकी दीवारों से खौफनाक हाथ निकलकर उन्हें पकड़ रहे थे। टेलर और ब्रूक जल्दी से गुजर जाती हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। नतालिया को फिर एक दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। वो एक रूम में जाती है जहां बहुत सारी हड्डियां और दूसरे बॉडी पार्ट्स थे। वो बाहर का रास्ता देख रही थी कि अचानक एक मिरर नजर आता है जिसमें वो किलर को देख सकती थी। थैंकफुली उसे बाहर का रास्ता मिल गया और वो फौरन वहां से निकल जाती है। वो फ्रेंड्स को किलर का बताती है, तब भी क्विन कहता है कि वो बस एक एक्टर है जो सबको डरा रहा है। वो सब एशर का वेट कर रहे थे क्योंकि वो हॉन्टेड हाउस से अब तक बाहर नहीं आया। वो अंदर खो चुका था। वहाँ किलर उसे ढूंढ लेता है और उसकी आंख में सिरिंज मारकर उसको कत्ल कर देता है। फिर फ्रेंड्स के पास एक मॉन्स्टर एक्टर आता है जो उनको डराते हुए नतालिया के कपड़ों पर वॉमिट करता है।
वो अपने कपड़े साफ करने के लिए ब्रूक के साथ वॉशरूम जाती है। वो गपशप करती है और फिर ब्रूक चली जाती है। नताली हैंड ड्रायर के नीचे अपना सर करती है ताकि अपने बाल सुखा सके। किलर तब उसके बहुत पास आता है मगर वो उसे देख नहीं पाती। फिर वो गैवन को टेक्स्ट करने लगती है। वो रियलाइज करती है कि वो जब भी गैवन को मैसेज कर रही थी तो साथ वाले टॉयलेट से ही रिंगटोन सुनाई दे रही थी। जब वो बाहर जाने लगती है तो उसे दरवाजे के नीचे से किलर के जूते नजर आते हैं। वो 911 को कॉल करना चाहती है मगर उसके फोन के सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं तो वो दीवार के नीचे से स्लाइड करती है। किलर उसके बाल खींचता है मगर वो खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। गर्ल सिक्योरिटी गार्ड को वहां लेकर आती है मगर तब वहां पर कोई न था। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि नताली को किसी ने हर्ट नहीं किया तो वो क्या कर सकते हैं। वहां ब्रूक को नताली की फोटो बूथ वाली पिक्चर भी मिलती है। नताली गार्ड्स को बताती है कि किलर के पास गैविन का फोन भी था मगर गार्ड्स कहते हैं कि ये एक प्रैंक हो सकता है क्योंकि यहां के वर्कर्स का काम ही डराना है और इस बात पे वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ब्रूक और नताली वहां से चले जाते हैं। स्टेज के पास उन्हें क्वीन मिलता है। वो फेस्टिवल से जाना चाहते थे मगर एशर भी उनको नहीं मिल रहा था। वो देखते हैं कि टेलर स्टेज पे गई है एक शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। शो में उसे मारा जाएगा मगर ये कोई नहीं जानता असल किलर भी मौजूद था। नताली को सच पता था। वो जाके शो को रोकना चाहती थी मगर सिक्योरिटी उसे रोक देती है। किलर लेवर को खींचता है और ब्लेड नीचे आ जाता है मगर टेलर की जगह एक नकली सर कट के गिर जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक शो था। शो खत्म होते ही पर्दे के पीछे टेलर किलर से कहती है कि उसे अब जाने दे मगर वो उसके स्ट्रैप्स और टाइट कर देता है। ब्लेड नीचे आता है मगर लकीली टेलर की नेक की बैक पे सिर्फ कट लगता है क्योंकि गिलोटीन का लेवर फंस गया था। किलर लेवर को सेट करता है तो इतने में टेलर खुद को छुड़वा कर भाग जाती है। वो अपने दोस्तों की तरफ मदद के लिए पुकारती है मगर किलर सबके सामने ही उसे पीछे से पकड़ लेता है और खंजर मार देता है। क्वीन जब उसके पीछे जाता है तो उसे भी कत्ल कर देता है। अब सबको मालूम हो चुका था कि ये एक असली कातिल है। सब खौफजदा होकर वहां से भागने लगते हैं। नताली और ब्रूक जानबूझते हुए एक और हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं। किलर एक्स लेकर ब्रूक पर हमला करता है मगर वो दोनों फिर भी भाग पाते हैं और एक कमरे में छुप जाते हैं जहां पर बहुत सारे स्टैचूज थे जिन्होंने मास्क पहन रखे थे। किलर अंदर आता है तो नताली बहुत ही समझदारी से उस पर अटैक करती है। फिर ब्रूक और वो भागते हैं और तब तक बाहर पुलिस भी आ चुकी होती है। उन्हें पार्क में दो डेड बॉडीज मिली थी मगर तब तक वो किलर वहां से फरार हो चुका था। ऑफिसर नताली को बताता है कि वो किलर को नहीं पकड़ पाए। फिर हम देखते हैं कि किलर अपने घर को जाता है। वो गैराज में जाता है जहां उसने बहुत सारे मास्क रखे हुए हैं जिन्हें वो पहले यूज कर चुका था। वो नताली और गैविन की पिक्चर्स रखता है। वहां और भी लोगों की पिक्चर्स थी जिन्हें वो मार चुका था। फिर वो अपने लिविंग रूम में जाता है जहां एक छोटी बच्ची सो रही थी। वो उठती है और उसे फादर कहकर पुकारती है। फिर किलर अपनी बेटी को एक स्टफ्ड डॉल देता है जो वो हेल्थ फेस्ट पार्क से लाया था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।